हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, बलों का जो त्रिभुज नियम होता है इसकी बात करेंगे, त्रिभुज का दूसरा नियम क्या है, त्रिभुज का विलोम का नियम क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का नियम, ये जो कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आइए पहले इस थ्योरी पार्ट को समझते हैं। देखिए दोस्त, अगर बात करें बलों के त्रिभुज को नियम, और आपको बताना चाहेंगे इससे पहले के सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाइए, और आपको इससे पहले 5 से 6 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, ये बल विश्लेषण फोर्स एनालिसिस चैप्टर का। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर जाइए और सभी वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और दोस्त, आपको बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोटिवेशन फोकस मोटिवेशन चैनल का लिंक है, आप हमारे फोकस मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से भी वीडियो देख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं दोस्त, आपको पहला यहां पर दिया है बलों के त्रिभुज नियम। तो बलों के त्रिभुज नियम की बात करें तो ये कहता है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बलों को परिमाण दिशा में यदि एक त्रिभुज के अनुसार, एक त्रिभुज के क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 फोर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है 3 फोर्स पी क्यू आर है, ओके, ये 3 फोर्स हैं और इनका आपको तीनों बलों को परिमाण तथा दिशा इनका क्या किया जाए, इन तीनों फोर्स को एज ए ट्रायंगल की तरह अर्थात त्रिभुज की तरह दर्शाया जाए तो ये तीनों जो होंगे त्रिभुज की तरह जब इसको दर्शा दिया जाएगा तो ये जो होंगे ये तीनों बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। तो यहां पर समझिए, जैसे ये 3 फोर्स आपको दिए गए हैं, ओके, पी क्यू आर 3 फोर्स हैं, त्रिभुज का जो बलों का त्रिभुज नियम यही कहता है कि 3 फोर्स आपको दिए गए हैं पी क्यू आर, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में दिए गए हैं, लेकिन जब आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर इसके सभी डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में करना है। अर्थात यहां पर आप देखेंगे ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है और ये आर फोर्स है, तो ये डायरेक्शन इधर गई, इधर और इधर, अर्थात एक क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, लेकिन चलना है एक ही डायरेक्शन में, ओके, ऐसे चलिए या ऐसे चलिए लेकिन चले एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर एक क्लॉकवाइज दर्शाया गया है। तो समझना यह है इस पॉइंट में कि अगर आपके पास 3 फोर्स हैं, ठीक है, तो तीनों को अगर आप ट्रायंगल फॉर्म में दर्शा देते हैं तो वो जो ट्रायंगल फॉर्म में त्रिभुज के रूप में होंगे तो वो तीनों बल जो होंगे साम्यावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं ये आपका पी था, ये क्यू, ये आर, और इसकी के समांतर ये आप देख रहे हैं पी के समांतर ये इधर रखा गया और ये क्यू के समांतर इधर आपको रखा गया। तो यहां पर क्या था, इस बी सी के समांतर ए डी है और ये इसके समांतर ए बी के समांतर आपका सी डी है, ओके, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो आपने देखा ये ट्रायंगल आपका बना और ये दूसरा ट्रायंगल बना, ये जो आप आर डैश देख रहे हैं ये आर डैश दोस्त, ये क्यू इसका और ये जो आप पी इसका, ये पी क्यू और इस इन दोनों का ये क्या है, इन दोनों का परिणामी है। लेकिन आपको समझना इतना है कि अगर आपको 3 फोर्स दिए गए हैं और तीनों को आप अगर ट्रायंगल फॉर्म में दर्शा देते हैं तो ये अगर आप ट्रायंगल फॉर्म में दर्शा देते हैं तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म में आएगा वो तीनों उस कंडीशन में जो फोर्स होंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, अर्थात साम्यावस्था में होंगे। तो साम्यावस्था त्रिभुज का जो नियम कहता है यही कहता है कि अगर आपको 3 फोर्स दिए गए, तीनों फोर्स को अगर त्रिभुज के रूप में आप दर्शाते हैं तो वो तीनों फोर्स क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम दोस्त आपको यह दिया गया है बलों के त्रिभुज का दूसरा रूप, ठीक है, अभी आपने फर्स्ट रूप देखा, अब ये दूसरे रूप की हम बात करेंगे, बलों के त्रिभुज का दूसरा रूप अदर फॉर्म में कैसा दिखता है इसको समझिएगा। देखिए दोस्त, ये कहता है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बलों को त्रिभुज के रूप में, त्रिभुज की क्रम में ली गई 2 भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई 3री भुजा उपर्युक्त 2 बलों का परिणामी निरूपित करती है।
अर्थात बिल्कुल क्लियर आप समझिए, यहाँ पर आपका एक फोर्स क्या है, पी है, और ये फोर्स क्या है, क्यू है, और ये आप इसको देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट क्या है, आर है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर तीन फोर्स पी, क्यू और आर, लेकिन आप डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर है और इस क्यू की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, लेकिन आप आर की डायरेक्शन देखेंगे आगे है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर, ये सभी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये क्लॉकवाइज, अर्थात ये क्या हुआ, जो आप रिजल्टेंट देख रहे हैं, परिणामी देख रहे हैं, वो क्या है, इन दोनों फोर्स के क्या है, विपरीत डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो बलों का त्रिभुज का दूसरा रूप होता है वो कहता है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को, दो बल मतलब यहाँ P और Q हुए, ठीक है, दो बलों P और Q को क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जाए, जैसे यहाँ परिमाण और दिशा में निरूपित किया गया है, उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई, उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपयुक्त दो बलों के परिणामी को निरूपित करती है, अर्थात ये आप जो R देख रहे हैं इसके परिणामी को दर्शाती है, ये क्या होती है, इसके यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन में है। और ये आप जो डॉटेड लाइन आगे देख रहे हैं, ये आपका कहाँ पर है दोस्त, आप डॉटेड लाइन जो आगे देख रहे हैं, इसकी डॉटेड लाइन आगे बढ़ाई गई और इसकी नीचे बढ़ाई गई, तो आप देखेंगे जो ये एंगल अल्फा है, ये क्या है, एंगल अल्फा है, ये आपके परिणामी और प्रथम फोर्स P के बीच है, लेकिन जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं, ये आपका किसके बीच एंगल है, ये आपके Q और P फोर्स के बीच एंगल है, अर्थात P और Q के बीच कितना एंगल बन रहा है, ये आपका थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल होता है दो फोर्स के बीच, और जो अल्फा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये परिणामी और फोर्स के बीच है, अगर आपका इधर बीटा बनता तो ये Q और आपके परिणामी R के बीच ट्रायंगल होता, मतलब वो एंगल होता आपका, यहाँ पर कोण होता बीटा। तो सिंपल सा यहाँ पर ये है दोस्त कि ये नियम यही कहता है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को दर्शाया गया है, उसमें तीसरा बल क्या होता है, इसकी विपरीत डायरेक्शन में कार्य करता है, विपरीत डायरेक्शन में जो कार्य करता है वो आपका परिणामी होता है। अब आपको यहाँ पर इस फार्मूले को भी क्रिएट करना होगा, फार्मूला आपका दोस्त यहाँ पर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल को आपको लेना है, किसको, इसको लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था ये एंगल थीटा है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब मतलब आपको पता होना चाहिए लंब किस में आता है दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब किस में आ रहा है, साइन थीटा में। तो आपका सिंपल सा यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये आप क्यू देख रहे हैं, अगर आप क्यू को दो फैक्टर में तोड़ेंगे तो एक इधर हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में होगा क्यू साइन थीटा, तो आप क्यू साइन थीटा ऊपर खींचेंगे तो इसी के दोस्त क्या है, पैरेलल है, तो आपका जो ये सामने वाला होगा ये क्यू साइन थीटा होगा, और ये वाला आपका जो बेस है वो क्यू कॉस थीटा होगा। हमने क्या किया, इसी क्यू को दो फैक्टर में तोड़ दिया है, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पर आप देख लीजिए, ये जो है इसको एक फैक्टर ऊपर तोड़ेंगे एक इधर, तो ये थीटा एंगल क्या होगा, दो भागों में कैंसिल होगा, तो ये नीचे वाला होगा क्यू कॉस थीटा और ऊपर वाला होगा क्यू साइन थीटा, और जो क्यू साइन थीटा है इसी के पैरेलल है, तो ये सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये जो बी सी है ये आपकी बी सी भुजा कितनी होगी, क्यू साइन थीटा, और ए सी भुजा जो होगी आपकी क्यू कॉस थीटा। आशा करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्त। अब आपको करना है क्या, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओ बी क्या है, ओ बी ये हो गया आपका, ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण मतलब ओ बी स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर का मतलब यहां पर आप दोस्त क्या हो गया, ये आपका आधार स्क्वायर पहले कर लीजिए, ओ सी स्क्वायर, ओ सी सी कितना हो गया, ओ सी स्क्वायर हो गया, और फिर आप जो ये देख रहे हैं ये आपका हो गया सी बी स्क्वायर। तो आपने देखा ये ट्रायंगल के माध्यम से आपने यहां पर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट किया। अब आप ओ सी की जगह पर ये ओ सी यहां तक पूरा है, लेकिन ओ सी की जगह पर आप लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए सी, क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए सी। तो सिंपली यहां पर आप लिख दीजिए ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। दोस्त समझिएगा, ओ ए तो आपका यहां पर कितना है, ये पी है, लेकिन जो ए सी है यहां पर वो क्यू कॉस थीटा है, हमने अभी जस्ट बताया, नीचे वाला क्यू कॉस थीटा होगा, ऊपर जो होगा आपका क्यू साइन थीटा होगा, क्योंकि आपका एंगल के सामने क्या होता है, सदैव लंब होता है, और लंब आपका साइन थीटा में आता है। तो सिंपली आप यहां पर समझिएगा, यहां पर आपका क्या हो गया,
OA प्लस AC, तो OA प्लस AC का मतलब ये हो गया OAP, और प्लस AC का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये Q cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर Q sin थीटा का होल स्क्वायर है। तो आप समझिएगा ये आप क्या देख रहे हैं, ये आपका CB है। कौन सा दोस्त? ये आपका CB है। तो CB का स्क्वायर का मतलब हो गया Q sin थीटा का होल स्क्वायर। आपका सामने वाला क्या होता है? Q sin थीटा होता है, तो Q sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब आपका सिंपली यहाँ पर हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो दोस्त ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ओके। और ये आपका होगा Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसमें से जो निकलेगा आपका Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 1 होगा, और आपका बचेगा बाहर क्या, Q स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहां पर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसको आप ओपन करिए, यही सेम आपका आने वाला है। अब ये r स्क्वायर, इसको रूट को हटाएंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आपका यहां पर उसके बाद ये तो आपका परिणामी आ गया, रिजल्टेंट आपने निकाल लिया r की वैल्यू। अब आपको यहां पर tan अल्फा निकालना है, अर्थात tan अल्फा का मतलब यहां पर दोस्त क्या है, परिणामी और आपके प्रथम फोर्स p के बीच कितना अल्फा एंगल है वो आपको निकालना है। तो ये अल्फा होता है, tan अल्फा क्या होता है इसको समझिए। हमने आपको बताया है tan बराबर, वैसे आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सिंपली आप देख सकते हैं आधार क्या है दोस्त, आधार आप देख सकते हैं यहां पर आधार बटे कर्ण दोस्त आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, tan अल्फा वाला कितना होता है, अगर आप tan की बात करेंगे तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कौन सा है, लंब आपको हमने जस्ट आपको बताया कि जो ट्रायंगल के सामने होगा वो आपका लंब होगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये लंब हुआ, BC आपका लंब हुआ, ये कितना है, ये Q sin थीटा है। क्यों? चूंकि लंब के सामने आपका sin थीटा होता है, और लंब में sin थीटा में ही आपका लंब आता है, तो आपका BC क्या हो गया, Q sin थीटा। ये आपका क्या हो गया, ऊपर वाला आपका लंब हो गया, नीचे फिर आपका आता है आधार। तो आधार कैसे हमने लिखा, ये आपका बेस है, तो बेस आपका यहां से O से लेकर A तो आपका P है, लेकिन A से C आपका कितना है, ये Q cos थीटा है। तो सिंपली आपका नीचे कितना हो जाएगा, Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा। तो ये आपने निकाला tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ये आपने देखा, ये आपका क्या था, ये आपने निकाला परिणामी और प्रथम फोर्स के बीच जो एंगल अल्फा है उसको हमने यहां पर निकाला। तो ये रूल क्या था दोस्त, बलों के त्रिभुज का ये दूसरा रूप था। अब एक आपका यहां पर एक और पॉइंट है कि बलों के त्रिभुज नियम का विलोम कन्वर्ज क्या होता है, कन्वर्ज क्या होता है, बलों के त्रिभुज का विलोम क्या होता है, ये आप समझिए। देखिए जैसा हमने अभी फर्स्ट आपको बताया था पहला रूल, वही का जस्ट उल्टा है। इसमें ये बताया था कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीनों बल के परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज के द्वारा दर्शा दिया जाए तो वो क्या होंगे, साम्यावस्था होंगे। और लेकिन ये रूल कहता है कि यदि किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हैं तो उन्हें एक त्रिभुज के क्रम में ली गई तीन भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है, वो पहला नियम ये कह दिया कि ये क्या होंगे, अगर त्रिभुज के द्वारा आप दर्शाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में होंगे। लेकिन ये जो आपका त्रिभुज का विलोम कहता है, ये कहता है, ये पहले ही कह देता है कि वो तीनों बल, अगर तीनों बल साम्यावस्था में हैं, अर्थात ये पहले ही कह रहा है कि ये तीनों बल जो कार्य कर रहे हैं, ये जो किसी कण पर जो कार्य कर रहे हैं, ये तीनों बल क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्यावस्था में है। तो अगर इन्हें एक त्रिभुज के क्रम में दर्शा दिया गया तो ये तीनों भुजाएं और परिमाण दिशा में क्या होंगे, निरूपित किया, मतलब ये क्या है, ये आपके क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑलरेडी यहां पर हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो उन्हें एक त्रिभुज के द्वारा अगर दर्शाया गया, त्रिभुज में ली गई अगर तीनों भुजाओं द्वारा परिमाण तथा आपके परिमाण तथा दिशा को निरूपित किया जा सकता है। तो बस कंडीशन यहां पर विलोम का मतलब यहां पर यह था, वो नियम पहले आपसे कह देता जो सिंपल है, पहला नियम कि आपके क्या होंगे, यदि तीनों कण को आप क्या करेंगे, तीनों फोर्स को एक ट्रायंगल के द्वारा आप त्रिभुज के द्वारा दर्शाएंगे तब वो क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। और ये त्रिभुज का विलोम नियम यह कहता है कि त्रिभुज का विलोम नियम ये जस्ट उल्टा ये कहता है कि ये साम्यावस्था में है,
अगर आप इन्हें तीनों को फोर्स को ये आप दर्शाएंगे, अगर आप मतलब ये तीनों क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आप इन्हें त्रिभुज के रूप में दर्शा सकते हैं। बस इतना ही इसमें डिफरेंट है और कुछ भी नहीं। विलोम का मतलब यहां पर जस्ट उसके पहले वाले रूल को आगे किया गया। ओके, तो यहां पर ये आपके इंफॉर्मेशन थी। यहां पर त्रिभुज के जो आपका नियम होता है विलोम का, ये डिटेल्स हमने आपको बताया। आशा करते हैं आप यहां त्रिभुज के जो नियम होता है सब कुछ यहां क्लियर समझ चुके होंगे, और आशा करते हैं ये वीडियो अभी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें, और आपको अगर लगता है कि ये चैनल पर आपको सभी जो वीडियो प्रोवाइड कर वीडियो जो प्रोवाइड कराई जाती है वो आपके लिए बेहतर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।